मैंने इस शो के जरिए देखा कि यू नो ग्रास रूट्स पे इनोवेशन हो रही है। मैं उसमें काफ़ी बिलीव करता हूँ, लाइफ की जर्नी एंजॉय करने में, मोमेंट्स एंजॉय करने में, बड़े सपने देखता हूँ, पर कभी फ्लैम पॉइंट्स नहीं लाया, कभी एरोगेंस नहीं लाया। शार्क टैंक इंडिया एक बहुत ही हिट शो रहा और मुझे लगता है भारत का की नई नींव है, फाउंडेशन जिसे कहते हैं। हर घर में एंटरप्रेन्योरशिप पनप रही है और मुझे लगा कि मैंने 15 साल कंपनी चलाई है, कार्डिको ग्रुप, और ये मेरा मौका है वापस देने का, क्योंकि मैंने 7 साल चलाई है बिना पैसों की कंपनी प्रॉफिटेबली, और बहुत कुछ सीखा उस यू नो कंस्ट्रेंट्स के अंदर बनाते टाइम इनोवेशन। मुझे लगता है मैं फाउंडर्स की काफ़ी मदद कर सकता हूँ, और इस शो के ज़रिए, इस शो में जब शूटिंग होती है तो मैं बहुत सारे करोड़ों लोगों तक पहुँच पाता हूँ अपने विचारों के साथ। तो मुझे लगता है बहुत इम्पैक्टफुल शो है, शानदार होने वाला है, और सीज़न 2 में मेरा तो पहली अपीयरेंस ही, मेरे को बहुत ही मज़ा आया, मेरे को खुद भी सीखने को बहुत मिला इस शो में अलग अलग कैटेगरीज़ के बारे में। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि जो मेरे फर्स्ट प्रिंसिपल्स की लर्निंग है, बिज़नेस कैसे बनते हैं बड़े, वो मैं यहाँ दे पाऊँ। आई थिंक मेरे को ना जो टच किया उस शो में, मेरे को दिखा कि किस बैकग्राउंड के लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर पा रहे हैं। अभी तक क्या हम लोग देखते थे यू नो यूनिकॉर्न फाउंडर, ये IIT IIM या अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए लोग कर रहे हैं। मैंने इस शो के ज़रिए देखा कि यू नो ग्रास रूट्स पे इनोवेशन हो रही है, कोई घर पे बैठ के लेडीज़ अचार बनाती हैं, वो ऑनलाइन बिकता है। तो मेरे को ये समझ में आया कि इनोवेशन जो है इतने सारे स्पेसेस में हो रहे हैं, और आप देखेंगे ना कैटेगरीज किस किस तरीके के आइडिया, नायाब आइडिया आते हैं इनोवेशन जो पहुँचते हैं शो पे। तो मुझे ये भी लगा कि लोगों ने ना अपने अराउंड प्रॉब्लम फील करी और उसको सॉल्व करने निकल पड़े पैशन के साथ। तो एक वाइट स्पेस ढूंढ के स्पार्क के साथ फाउंडर जब लगता है तो अलग ही चीज़ निकलती है। तीसरा, बहुत इंस्पिरेशनल लोगों से मिलते हो इस शो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बड़ी फाइट मार के, हसलिंग करके, हंगर के साथ बनाया है। तो मतलब आप खुद भी इंस्पायर होते हैं ऐसी स्टोरीज से मिल के। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो बहुत ही मज़ा आया था सीज़न 1 में, सीज़न 2 और भी अच्छा है, पावर पैक। देखिए, मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, मैं जयपुर रहता हूँ आज भी, मेरे को इसका कभी रहा ही नहीं शौक। आप मेरा अगर इंस्टाग्राम जाके हैंडल देखेंगे उसमें 2-3 पोस्ट पड़े होंगे अभी तक। अब मेरे को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूज़ हो गए, पर मैं कभी भी इस चीज़ के पीछे गए ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार कि अपने अंदर जो खुशियाँ हैं वो तो अपने मोमेंट्स अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, अपने जो आपके पुराने लोग हैं कंपनी में उनके साथ, मैं उसमें काफ़ी बिलीव करता हूँ, लाइफ की जर्नी एंजॉय करने में, मोमेंट्स एंजॉय करने में, डेली खुश होना चाहता हूँ, राइट। अब मेरी खुशियाँ एक्सटर्नल लोगों पर डिपेंडेंट नहीं थी कभी भी कि मैं फेम मिलेगा तो खुश होगा। अपना डेली अच्छे से काम करो, अपने अंदर विश्वास रखो, और अपने अराउंड जितने भी लोग हैं उनके साथ खुशियाँ बांटो अपनी, ये मेरा लाइफ का मकसद रहा है। अब क्योंकि शार्क टैंक शो पे आ गए तो ऑब्वियसली मेरे सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, अभी अकाउंट ही मैंने अभी बनाया है इधर आने के बाद। कार्डिको ग्रुप में ये ग्रुप बना है मेरे और मेरे भाई के साथ, तो हम दोनों सिबलिंग्स हैं पहले, राइट। तो ये जर्नी हमारी चालू होती है 2007 से। 2006 में हम लोग जयपुर शिफ्ट हुए थे, हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में कंपनी में दोनों जॉब कर रहे थे, मैं और ब्रदर अनुराग, और हम लोग लौटे जयपुर क्योंकि हमारे फादर की डेथ हुई थी कैंसर से। तो हम लोग जॉइंट फैमिली के थे, तो हमारे दो ऑप्शन था कि यू नो या तो दादा दादी मम्मी को हम लोग बैंगलोर ले आए या हम लोग आ जाए। तो हमें लगा कि ये उचित नहीं रहेगा कि इतने सालों का सोशल इकोसिस्टम हटा के वहाँ लेकर जाए, तो हम दोनों यहाँ पर मूव कर गए। फिर यहाँ पर हमने कंपनी चालू करी, तो यहाँ पर यू नो बुनियाद चालू कंपनी की। और मेरा जो यहाँ से आगे जर्नी जाता है, पहले 7 साल हम लोग कंपनी बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग कोई फंडिंग नहीं उठाते और हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पे बनाते हैं कंपनी की, अपने लिए बनाते हैं। उस टाइम पर अगर आपको याद हो 2008 में 7-8 में कोई स्टार्टअप नाम का वर्ड ही नहीं होता था। तो हमने वो स्टार्टअप तब बनाया था जब, और वो भी छोटे शहर थे जयपुर से बनाया था, राइट, ना कोई वहाँ टैलेंट होता। तो हम लोग पहले बने टीचर्स, पहले 2 साल में हम लोग को अब टीम बनानी थी। अब जयपुर में क्योंकि कोई इन सारे हब से बैंगलोर बाहर, यहाँ पर हम लोगों ने खुद अपने फर्स्ट बैच को ट्रेन किया, मैंने अनुराग ने, और बिल्कुल फ्रेशर्स लाइक राइट आउट ऑफ जयपुर लोकल कॉलेजेस, राइट, कोई किसी गांव से है, कोई कहीं से है, ये हमारी पहला बैच बना। आज उस बैच के लोग हमारी कंपनी में अभी भी हैं, अजय चारू, बहुत सारे लोग हमारे उस ज़माने के मनोज जो आज हमारे टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं या मार्केटिंग हेड हैं, ये उस बैच के हैं। मतलब मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते देखा लोगों को जो हमारे साथ जुड़े। तो मुझे ये भी लगा कि एक्सपोजर बहुत चीज़ें बदलता है। आपने जो पूछा स्पेसिफिकली, फेलियर्स बहुत हुए, तो मतलब आपका जो जर्नी रहता है उसके अंदर बहुत पिटाई होती है फाउंडर की और सीखने को बहुत मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि आप फेलियर्स के ज़रिए आप
लर्न करते हो और अपना एक नया वर्जन बनता जाता है जो बेटर है. इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिस पर ईयर, इट्स नॉट अबाउट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दैट काउंट्स. तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही रिच एक्सपीरियंस लिया इस 15 साल की जर्नी में. तो हमारा करीब 1.25 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था शेयर्स में, वही प्रॉफिट था पूरा कंपनी का. तो 2008-09 के क्रैश में हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी. तो मैं और अनुराग बैठे थे उसके बाद कि यार ये क्या हुआ, हमने 2 साल मेहनत करके कमाया था, ये सारा एकदम निकल गया 5 दिन में, पूरी यू नो इतने साल की कमाई. तो हम लोगों ने फिर ये बोला कि 2 हाथ दिए भगवान ने, दिमाग दिया, जब चालू किया था तब भी 0 थे, वापस बना लेंगे, फिर वापस बना दिया. तो वो एटीट्यूड रहा. मैं छोटे शहर से आता हूँ जयपुर से, जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मेरा वैल्यू सिस्टम पूरा जॉइंट फैमिली वाला है. दूसरा, बहुत ही सिंपल लाइफ जीता हूँ. मेरे पैर हमेशा ज़मीन पे रहते हैं और आंखें आसमान पे, बड़े सपने देखता हूँ पर कभी फ्लैम वॉइंस नहीं लाया, कभी एरोगेंस नहीं लाया. और मेरा मानना है कि अपनी फैमिली के अंदर सैक्रिफाइस करके आप एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन पाते हो. तो मेरे जॉइंट फैमिली में रहने इसलिए मज़ा भी आता है. तो पहला फैक्ट ये हुआ. दूसरा फैक्ट है, मैं बहुत ही मैथमेटिकली नंबर ओरिएंटेड बंदा हूँ. तो आपको मैं बहुत यूनिट इकोनॉमिक्स और फर्स्ट प्रिंसिपल में बिजनेस बनाना मेरे को अच्छा लगता है. तो मेरा डेप्थ ऑन नंबर्स, डेप्थ ऑन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, डेप्थ ऑन मार्केटिंग और वो यूनिट इकोनॉमिक्स के अंदर कैसे ट्रांसलेट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. तीसरा फन बताता हूँ, मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है और मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और बहुत तेज़ चलाता हूँ एट टाइम्स जब खाली रोड्स होती हैं, तो उसमें बहुत मज़ा आता है मेरे को.